सो गाइज, अगर आप लोगों का क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा वीक है एंड आप अपना क्लोज रेंज इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपनी क्लोज रेंज के सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनकी वजह से मेरा क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। एंड गाइज, जो ये क्लोज रेंज वाला टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए, तो एक वीडियो में मैं सब चीज़ें आप लोगों को नहीं बता सकता। तो इसलिए गाइज, हम इस टॉपिक के ऊपर 2-3 वीडियोज बनाएंगे, 2-3 पार्ट बनाएंगे, ये पार्ट 1 होने वाला है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो गैस, हमारा पॉइंट नंबर 1 होने वाला है प्रीएम। अब गैस, फॉर एग्जांपल सामने डोर पे बंदा है और मुझे उस पर रश करना है, तो अब अगर मैं अपना एम कहीं और रख के चलूँगा ना, तो जैसे ही मेरे सामने बंदा आएगा मुझे अपना एम बंदे पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और ऐसे में ना कई बार क्या होता है कि इतनी देर में बंदा आपको नॉक कर देता है और भाई आप वो फाइट हार जाते हो। तो आपको क्या करना है, अपना एम पहले से ही उस डोर पे रख के चलना है, या फिर आपको लग रहा है कि बंदा कहीं पे हो सकता है तो पहले से ही वहीं पे एम रख के चलो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही एनिमी आपके सामने बाहर आएगा कवर से, तो आपको बस फायर बटन दबाना है और आपकी स्टार्टिंग की 2-3 बुलेट्स तो एनिमी को इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। अब गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अब गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट से बंदा मुझ पे पुश कर रहा है, तो मैं अपना एम पहले से ही लेफ्ट में रख लेता हूँ। अब गाइस, जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है मुझे अपना एम एडजस्ट नहीं करना पड़ता और भाई बंदा नॉक हो जाता है। अब गाइस, सेम इसके टीममेट के साथ होता है, राइट से बंदा पुश करता है, मैं पहले से अपना एम राइट में रख लेता हूँ और गाइस यहाँ पे बहुत ही आराम से मैं 1v3 कर देता हूँ। सो गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्री एम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब गाइस, पॉइंट नंबर 2 आ जाता है हेडशॉट्स। गाइस, हेडशॉट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मतलब अगर आप लोग हेडशॉट्स कनेक्ट नहीं करते हो तो भाई आप क्लोज रेंज बीस्ट कभी नहीं बन सकते। मेरे अकॉर्डिंग 30-40% अकेला ये एक पॉइंट मैटर करता है। अब गाइस, एग्जांपल के तौर पे आप ये वाली क्लिप देखो, एक बंदा मेरे सामने से आता है, एक बंदा मेरे पीछे से आता है। अब देखो गाइस, मैं सामने वाले को ना भाई इतने गंदा मारता हूँ भाई हेडशॉट से, भाई मतलब बंदा मेरे को एक गोली नहीं मार पाता और भाई दूसरे वाला बंदा मुझे बस एक गोली मार पाता है। एंड गाइस, इस वाले एग्जांपल में भी आप लोग देख सकते हो, भाई बंदे मुझे छू ही नहीं पाए क्योंकि मैंने उनको सभी हेडशॉट्स मारे। तो गाइस, हेडशॉट मारना ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग हेडशॉट्स मारते हो तो भाई बंदा एकदम फ्लैश की तरह मतलब गायब होता है। अब क्योंकि तुम लोग मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हो, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक हेडशॉट की ट्रिक बताता हूँ, तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब देखो गाइस, जब भी तुम्हारे सामने से बंदा आ रहा होता है ना भाग के, एकदम जब टीपी पे ले रहे होते हो उसी टाइम पे अपना जो क्रॉस एयर होता है ना एनिमी के हेड लेवल पे कर दो, ठीक है। और जैसे ही भाई तुम करोगे ना ऐसा, भाई बंदा कुछ भी कर ले भाई, उसको एक ना एक हेडशॉट्स कनेक्ट होने ही है भाई, और भाई कभी कभी तो डबल ट्रिपल हेडशॉट भी कनेक्ट हो जाता है। और भाई मैंने हेडशॉट्स के ऊपर एक प्रॉपर ट्रेनिंग ड्रिल्स वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ड्रिल्स बताई हुई हैं जिससे कि तुम्हारा मिड रेंज और क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर से वो वाली वीडियो भी देख लेना। ओके, तो भाई अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है हमारा मूवमेंट। अब गाइस, काफ़ी सारे बंदों को ना मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बंदों को लगता है कि जिगल ही एक अकेला मूवमेंट होता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिगल सिर्फ एक मूवमेंट का छोटा सा पार्ट है। अब गाइस, जो आपका ड्रॉप शॉट आ जाता है, आपका जंप एंड शूट आ जाता है, या फिर आपका क्राउच एंड शूट आ जाता है, या फिर वन साइडेड मूवमेंट, या फिर जिगल, ये सभी चीज़ें आपके मूवमेंट के अंदर ही आती हैं। एंड गाइस, आपको ना सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपको किस टाइम पे कौन सा मूवमेंट करना है, लाइक आपको कब ड्रॉप शॉट मारना है, कब जंप एंड शॉट मारना है। एंड गाइस, ये चीज़ ना आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ आएगी। अब गाइस, फॉर एग्जांपल ये वाली क्लिप आप देखो, यहाँ पे 3 बंदे मुझ पे पुश कर रहे होते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे ये बंदे मुझे 1 HP कर देते हैं। अब गाइस देखना यहाँ पे मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँगा। अब गाइस देखो, मैं यहाँ पे 1 HP आता हूँ, तो मैं यहाँ पे जंप करके इस एनिमी को नॉक करता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे इस एनिमी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जंप करके इसको मारूंगा। और गाइस, उसके बाद देखो इसके टीममेट को मैं कैसे मारता हूँ। अब मेरे को पीछे से बंदे का साउंड आया, तो मैं पहले ही ड्रॉप शॉट दे दिया मैंने, और भाई फ्री फायर के साथ इस बंदे को नॉक कर दिया। अब गाइस, इस बंदे ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं यहाँ पे लेट जाऊँगा, और गाइस इस बंदे को मैं बिल्कुल जंप एंड शूट करके भाई एग्रेसिवली हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे अगर मैंने जिगल टू जिगल फाइट ली होती तो मैं यहाँ पे 100% मरता। तो गाइस, आपको हमेशा वो चीज़ करनी है जो सामने वाला बंदा एक्सपेक्ट ही ना करे। अब गाइस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रॉप शॉट मारते हो तो आपका एम भी आपके करेक्टर के साथ साथ नीचे को जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप ड्रॉप शॉट मारते हो आपको अपना एम थोड़ा सा ऊपर की तरफ को शिफ्ट कर देना है। एंड गाइस, सेम चीज़ क्राउच के साथ होती है, जब भी आप क्राउच करते हो तब भी आपका एम थोड़ा सा नीचे चले आता है, जिसकी वजह से आपके हेडशॉट्स कनेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्राउच एंड शूट करते हो अपना एम आपको हल्का सा ऊपर कर देना है। एंड गाइस, जब आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी और आपके हेडशॉट्स ही कनेक्ट होंगे। ओके, सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जंप शॉट कैसे मारना है। अब गाइस, काफ़ी सारे बंदे ना एनिमी से बिल्कुल चिपक के जंप शॉट मारते हैं, एनिमी के ऊपर ही कूद जाते हैं। भाई वो चीज़ कभी मत करना, हमेशा एनिमी से थोड़ा दूर जाते हुए ही जंप शॉट मारना। अगर आप बिल्कुल एनिमी से चिपक जाओगे ना, तो भाई एनिमी बहुत ईजिली आपको मार देगा। सो गाइस, अब मैंने आपको जंप, क्राउच एंड ड्रॉप शॉट तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब गाइस, अगर आपको जिगल के बारे में भी जानना है, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है,
और अगर मैं इसी वीडियो में उस चीज़ को इंक्लूड कर दूंगा तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जिगल वाली वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वाली वीडियो ज़रूर से देख लेना। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 जो कि है ट्रेसिंग। अब गाइस ट्रेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ और यहाँ पर ट्रेन पर जाके कस्टमाइज पर जाके 20 मीटर वाला टारगेट ऑन कर लो और हेल्थ कर दो उसकी पहले 170, और भाई 170 के अराउंड ही आपको मूवमेंट स्पीड कर देनी है, उसके बाद वापस से हेल्थ 100 कर देनी है। एंड गाइस मैंने 170 स्पीड करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये आपके जिगल की स्पीड के ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो आप एनिमीज को इजीली ट्रेस कर पाओगे। ओके सो गाइस उसके बाद आपको इस टारगेट को बिना फायर करे ट्रेस करना है और 2 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आपको फायर करते हुए इस टारगेट को ट्रेस करना है। एंड गाइस उसके बाद आप अलग अलग तरह के मूवमेंट्स ट्राई करके भी इस टारगेट को ट्रेस कर सकते हो। सो गाइस अब हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है प्री फायर। अब गाइस प्री फायर एक्चुअली होता क्या है? सो गाइस जब भी आपके सामने एनिमी आ रहा होता है तो आप जिस जगह से एनिमी आने वाला होता है ना, आप उसी जगह पे पहले से फायरिंग स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से एनिमी आपसे फाइट में एंगेज होने से पहले ही या तो नॉक हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब गाइस आप इस वाली क्लिप में देख सकते हो सामने से 2 बंदे आ रहे थे, एक को मैंने नॉक किया और दूसरे वाले बंदे पे मैंने पहले ही फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से 3-4 गोली उसको पड़ गई और वो बंदा पहले ही डैमेज हो गया और मैं ये वाली फाइट ईजिली जीत गया यहाँ पे। सो गाइस मैंने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं आपको ये सभी पॉइंट्स को प्रैक्टिस करना है, सभी पॉइंट्स को मास्टर करना है। अगर आप सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स को ही मास्टर कर लोगे तो उससे आपका गेम प्ले ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगा। और गाइस मैं इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी लेकर आऊँगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।